यह है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अर्थात पीओके का इलाका और यहाँ के हुंजा घाटी में रहते हैं दुनिया में सबसे अधिक दिन तक जीने वाले लोग। आखिर क्या कारण है कि इस घाटी में रहने वाले हुंजा समुदाय के लोग 150 सालों तक जीवित रहते हैं? आखिर क्या कारण है कि हुंजा औरतें 80 साल के उम्र में भी 30 साल जैसी खूबसूरत और हसीन दिखती हैं? आखिर हुंजा घाटी में रहने वाले लोग कौन सा भोजन और कैसा पानी पीते हैं कि वहाँ की औरतें 60 साल के उम्र में भी बच्चे पैदा कर सकती हैं? और हुंजा घाटी में रहने वाले ये लोग किसके वंशज हैं और किस धर्म को मानते हैं, मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैसे तो लोगों की औसत उम्र 60 वर्ष ही मानी जाती है, लेकिन आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जो 150 साल तक जीते हैं और वो भी बिना किसी बीमारी और बुढ़ापे के। 1984 में लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर अब्दुल मोबट नामक एक व्यक्ति पहुंचा। वैसे तो यहाँ हर रोज सैकड़ों यात्री आते जाते थे, लेकिन अब्दुल सबसे अलग निकले। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान सभी अफसर तब हैरान रह गए जब उन्होंने अब्दुल के पासपोर्ट पर उनके बर्थ ईयर की जगह पर सन 1832 लिखा हुआ देखा। उन्हें लगा शायद ये किसी तरह की गलती है, इस वजह से अब्दुल की उम्र कई बार क्रॉस चेक की गई। किसी को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़े इस इंसान की उम्र 152 साल है और इस उम्र में यह एकदम सही सलामत उनके सामने खड़ा है। इस घटना का जिक्र 1984 में हांगकांग में छपे एक रोचक लेख में भी किया गया था। दरअसल 152 साल का यह शख्स एक हुंजा था। बहुत से लोग आज भी इस समुदाय के बारे में नहीं जानते, लेकिन इनके बारे में जानने योग्य बहुत कुछ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तरी पीओके के काराकोरम माउंटेन्स की हुंजा वैली में रहने वाले हुंजा लोगों के ही बारे में, जिन्हें बुरुसो समुदाय भी कहा जाता है। हुंजा लोगों की जनसंख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्हें दुनिया के सबसे लंबी उम्र वाले, खुश रहने वाले और स्वस्थ लोगों में गिना जाता है। हुंजा लोगों के स्वास्थ्य का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज तक इस समुदाय का एक भी इंसान कैंसर का शिकार नहीं हुआ है। इन लोगों को दुनिया की कैंसर फ्री पॉपुलेशन में गिना जाता है। हुंजा समुदाय की महिलाएं 60-65 के उम्र में भी बच्चे पैदा कर सकती हैं। इन पर 1955 में जे.आई. रोडाल ने द हेल्दी हुंजाज के नाम से एक किताब लिखी थी। उनके बाद भी कुछ अन्य लेखकों ने इन पर किताबें लिखी, लेकिन फिर भी ये लोग दुनिया की नज़र से बहुत दूर थे। 1984 में हांगकांग में छपे जिस लेख का हमने ऊपर जिक्र किया, उसके बाद ही दुनिया ने इन अद्भुत लोगों को पहचाना। इस समुदाय के लोग पाकिस्तान के अन्य समुदायों से कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। हुंजा घाटी में इनकी जनसंख्या करीब 87,000 है। आज के समय में हर कोई जवान और खूबसूरत दिखना चाहता है, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी लोग जवान और खूबसूरत नहीं रह पाते हैं। लेकिन कश्मीर के इस जगह की महिलाएं 80 साल की होने के बावजूद भी दिखने में 30 से 40 साल की लगती हैं। यहाँ की महिलाओं को दुनिया के खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता है। कश्मीर के पर्यटन स्थलों में हुंजा घाटी काफ़ी मशहूर जगहों में से एक है। यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से कई लोग जाते हैं। हुंजा समुदाय के ऊपर काफ़ी किताबें लिखी गई हैं। इन किताबों में सबसे ज़्यादा द हेल्दी हुंजाज और द लास्ट किंगडम ऑफ द हिमालयाज काफ़ी प्रसिद्ध किताबों में से एक है। हुंजा समुदाय के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोगों की मानसिक और शारीरिक स्थिति काफ़ी मजबूत होती है। इनकी जीवन शैली की वजह से ये बहुत खूबसूरत होते हैं। इनकी जीवन शैली अन्य लोगों की तुलना में काफ़ी अलग होती है। ये लोग सुबह 5 बजे ही उठ जाते हैं। साइकिल या फिर गाड़ी का ये लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी की तुलना में ये लोग पैदल ही जाना पसंद करते हैं। बताया जाता है कि ये लोग एक दिन में सिर्फ 2 ही बार खाना खाते हैं। खाने का समय भी फिक्स होता है। एक बार ये 12 बजे खाते हैं, वहीं दूसरी बार रात के 8 से 9 बजे के बीच में खा लेते हैं। इनका खाना भी एकदम नेचुरल होता है, यानी इनकी सब्जियों, फल, दूध, मक्खन इत्यादि चीज़ों में किसी भी तरह का मिलावट नहीं होता है। हुंजा समुदाय के लोग खाने में बाजरा, जौ, कुट्टू और गेहूं का ही इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें शारीरिक तौर पर मजबूत करने में सहायक होती हैं। बताया जाता है कि ये लोग नॉनवेज बहुत कम खाते हैं, यानी किसी खास मौके पर ही मांस बनाया जाता है। हुंजा समुदाय के लोग हिमालय के तलहटी क्षेत्र में रहते हैं। माना जाता है कि हिमालय से सीधे बहने वाले जल को पीने से
इन्हें जल्दी कोई बीमारी नहीं होती और बुढ़ापे से भी ये दूर रहते हैं। पानी में मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मात्रा में होते हैं जो इन्हें मजबूत और खूबसूरत बनाते हैं। इस्लाम के आगमन से पहले इस क्षेत्र के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म और उससे भी पहले बौन धर्म को मानते थे। बौन धर्म कैलाश पर्वत के तलहटी में रहने वाले कबीलों का धर्म था, जिसे तिब्बत के रहने वाले कुछ लोग आज भी मानते हैं। यह प्राचीन वैदिक धर्म का मिलता जुलता एक रूप है। बौन धर्म ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में प्रकाश और अंधेरे, इन दो शक्तियों ने दो व्यक्तियों का निर्माण किया। काले आदमी जिसे नेलवा नाकपो कहा जाता है, इन्होंने सितारों और सभी राक्षसों को बनाया और ये सूखे महामारी जैसी बुरी चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं गोरा व्यक्ति जिसे ओसेल्डन कहा जाता है, वह अच्छा और गुणी है। उसने सूर्य और चंद्रमा की रचना की और मनुष्यों को धर्म की शिक्षा दी। ये दो ताकतें दुनिया में अच्छाई और बुराई के चल रहे संघर्ष में बनी हुई हैं, जो हर व्यक्ति के दिल में भी लड़ा जाता है। बौन धर्म के अनुयायी ये मानते हैं कि शुरुआत में यह ब्रह्मांड एक शून्य था, इससे पांच तत्वों पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और अंतरिक्ष का निर्माण हुआ। मतलब ब्रह्मांड का जो व्याख्या वैदिक धर्म ग्रंथों में वर्णित है, वहीं बौन धर्म के लोग भी मानते हैं। बौन धर्म के बाद हुंजा घाटी के बहुत लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। मतलब इस क्षेत्र के रहने वाले सब लोग सनातनी ही थे। इस क्षेत्र में चट्टानों पर लिखी प्राचीन ब्राह्मी लिपि में भित्ति चित्र के कई कार्य हैं, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पूजा और संस्कृति के रूप में निर्मित किया गया था। लेकिन अब इस्लामिक आक्रांताओं के वजह से वहां की अधिकांश आबादी इस्लाम में परिवर्तित हो रही है। ज्यादातर स्थानीय लोगों के इस्लाम में परिवर्तित होने के कारण प्राचीन बौद्ध भित्ति चित्रों को मिटा दिया गया है। बौद्ध धर्म के निशान और देवी देवताओं के चित्रों के निशान को नष्ट कर दिया गया है। जहां भारत सरकार अपने प्राचीन पहाड़ी कबीलों को संरक्षण देती है, वहीं पाकिस्तान नियमित रूप से इन घाटियों में रहने वाले लोगों के पुरातन संस्कृति पर हमला करता रहता है और मिटाता रहता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान का अभिन्न अंग पीओके भी जल्द ही भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत आ जाएगा और वहां पर रहने वाले हुंजा लोगों के लिए वह एक सुनहरा दिन होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलें। हर हर महादेव।